दोस्तों लॉन्ग ब्लॉग या फिर मिनी ब्लॉग बनाने से पहले आपको ये वाला वीडियो देखना होगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा 2024 में, लॉन्ग ब्लॉग या फिर मिनी ब्लॉग, किस में आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, किस में आपको ज्यादा कम टाइम देना होगा, किस में आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा और कौन सा चैनल आपको ज्यादा ग्रो करवाएगा, ठीक है, लॉन्ग ब्लॉग या फिर मिनी ब्लॉग, सारे चीज आज मैं आपको बताऊंगा, पूरा डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपको तो पता है मेरे पास एक मिनी ब्लॉग चैनल है जिसके ऊपर 2 मिलियन पार यहाँ पे सब्सक्राइबर्स है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस है आपको कौन सा चैनल ओपन करना चाहिए 2024 में। 2023 तो खत्म होने वाला है, अभी 2024 यहाँ पे आने वाला है, तो आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा आज मैं पूरा क्लियर करवा दूंगा आपको, ठीक है। हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इजी, मतलब कौन सा इजी है, मिनी ब्लॉग या फिर लॉन्ग ब्लॉग। यार देखो मेरे हिसाब से मुझे लगता है लॉन्ग ब्लॉग सबसे ज्यादा इजी है, क्यों पता है, ये जो हम लोग वीडियो शूट करता हूं दिन के अंदर, मतलब जो भी चीज दिखाता हूं उस टाइम क्या होता है लॉन्ग ब्लॉग के अंदर, ये आप लोग ध्यान से सुन लो, ये जो हम बात बोल रहा हूं, ठीक है, ये बात उसी टाइम यहां पे ऐड हो जाता है वीडियोस के अंदर, ब्लॉग के अंदर। सो क्या होता है, ये होता है हमारा एडवांस पॉइंट है हमारा लॉन्ग ब्लॉग के अंदर। देन यहाँ पे जो हमारा लॉन्ग ब्लॉग यहाँ पे शूट कंप्लीट हो गया, देन जब भी हम लोग यहाँ पे एडिट करने बैठता हूँ उस टाइम क्या होता है पता है, जस्ट जहाँ पे यहाँ पे खराब हुआ अपने वीडियो, मतलब थोड़ा सा बेकार वेकार आया, मतलब शूट नहीं हुआ अच्छा तरीके से, वो सब पार्ट यहाँ पे कटाई करो, बस गाइस अपने यहाँ पे ब्लॉग कंप्लीट हो गया, लॉन्ग ब्लॉग बस थंबनेल बनाऊं यहाँ पे कंप्लीट, और कुछ भी झंझट नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन 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 पता है ये जो मिनी ब्लॉग, 1 मिनट का जो मिनी ब्लॉग होता है, लोगों को लगता है भाई 1 मिनट का मिनी ब्लॉग बनाना सबसे ज्यादा इजी होता है, भाई 1 मिनट का ब्लॉग बनाएंगे, वॉइस ओवर करेंगे, हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं। अगर आप प्रॉपर तरीके से एक मिनी ब्लॉग बनाओगे तो आपको ज्यादा मेहनत करना होगा। तो देखो क्या होता है मिनी ब्लॉग के अंदर, आप सारे दिन के अंदर जो भी चीज़ किया या फिर जो भी शूट किया आपने, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले रिकॉर्ड किया अपने यहाँ पे बात को ना बोल के, ओके ये हो गया आपका चीज़। देन गाइस क्या हुआ, ये जो आपने शूट किया उसको देख के आपको लिखना होगा, स्क्रिप्ट लिखना होगा, स्क्रिप्ट लिखने में टाइम जाता है, 2-3 घंटा तो यहाँ पे इजीली लग जाता है स्क्रिप्ट लिखने में। देन गाइस यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, उसी जो स्क्रिप्ट होता है उसको पर के यहाँ पे वॉइस ओवर करना होता है, एंड वॉइस ओवर में भी टाइम जाता है, 1 मिनट का जो वॉइस ओवर होता है उसमें भाई 20 मिनट तो यहाँ पे कमन यहाँ पे जाता है अपने टाइम, तो यहाँ पे 20 मिनट देना होता है, फिर उसी वॉइस को एडिट करना होता है, कट कट करना होता है जहाँ पे खराब पार्ट हुआ, फिर गाइस जहाँ पे एडजस्ट करना होता है अपने पार्ट के हिसाब से। तो देखो यार कितने ज़्यादा मेहनत लगता है मिनी ब्लॉग के अंदर। सो मेरे हिसाब से मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ईजी होगा वो है हमारा लॉन्ग ब्लॉग, ठीक है, सबसे ईजी यही है लॉन्ग ब्लॉग। अगर आप लोग मिनी ब्लॉग बनाना चाहते हो तो आपको ज़्यादा टाइम यहाँ पे देना होगा। 2 नंबर जो पॉइंट है वो है ग्रोथ, मतलब किस में आपको ज़्यादा यहाँ पे कम समय में सक्सेस मिलेगा, लॉन्ग ब्लॉग या फिर मिनी ब्लॉग। देखो यार मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये जो लॉन्ग ब्लॉग होता है इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्यों बताए, ये जो लॉन्ग ब्लॉग होता है ये गाइस अगर आप लोग बनाओगे सबसे पहले आप लोग ये देखो आपका फेस वैल्यू बना हुआ है या फिर नहीं। अगर आप लोग न्यू यहाँ पे क्रिएटर हो, न्यू ब्लॉगिंग चैनल ओपन किया, तो मेरे हिसाब से गाइस मुझे लगता है आपको ग्रो होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग के समय में आपको कोई नहीं जानता है, एंड कौन आपका लाइफ स्टाइल देखेगा, कौन आपका वीडियो देखेगा भाई, वो 10 मिनट 20 मिनट भाई टाइम वेस्ट करके आपका वीडियो कौन देखेगा, ऐसा कोई नहीं होता है। जब आप लोग यहाँ पे सक्सेस हो जाओगे उस टाइम अगर आप लोग 1 घंटे का भी वीडियो बनाओगे तो भाई आपका वीडियो लोग देखेगा। सो यार यही होता है लॉन्ग ब्लॉग, मतलब लॉन्ग ब्लॉग में आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा एंड ग्रोथ भी थोड़ा सा कम मिलेगा। लेकिन ये जो होता है मिनी ब्लॉग, इसके अंदर क्या होता है, मिनी ब्लॉग होता है 1 मिनट का, ठीक है, ध्यान से आप लोग समझो, मिनी ब्लॉग होता है 1 मिनट का, एंड मिनी ब्लॉग जाता है हमारा शॉर्ट फीड में, बात आप लोग ध्यान से समझो, मिनी ब्लॉग हमारा जाता है शॉर्ट फीड के अंदर, ना ही थंबनेल होता है, ना ही क्लिक थ्रू रेट होता है, ना ही कुछ होता है, ठीक है, बस लोग यहाँ पे स्क्रॉल करता है, आते रहता है, देखते रहता है। तो आपको कुछ यूनिक तरीके से मिनी ब्लॉग बनाना है, अगर आप लोग ये करना सीख गया तो भाई आपका चैनल पक्का जल्दी ग्रो हो जाएगा लॉन्ग के मुताबिक, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने 2 महीने के अंदर 2 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट किया। सो गाइज अगर आप लोग लॉन्ग ब्लॉग बनाओगे तो मैंने आपको बता दिया आपको यहाँ पे ग्रोथ होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब भाई सालों साल निकल जाएगा, फिर भी गाइस आपका चैनल ग्रो भी ना हो सकता है। लेकिन अगर आप मिनी ब्लॉग बनाओगे तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है आपका चैनल जल्दी ग्रो हो जाएगा, ठीक है, एंड वो जो होता है भाई हमारा मोनेटाइज करने का क्राइटेरिया। देखो लॉन्ग ब्लॉग में क्या होगा, आपको 1K सब्सक्राइबर्स एंड 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा करना होगा, एंड भाई ब्लॉगिंग के लिए गाइस वो सबसे ज़्यादा है, मुझे लगता है हार्ड रहे भाई, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। एंड ये जो मिनी ब्लॉग होता है उसके अंदर क्या होता है, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और 10 मिलियन व्यूज़ चाहिए, ठीक है, 3 महीने के अंदर वो चुटकियों में हो जाता है, चुटकियों में भाई मेरे तो 7 दिन के अंदर कंप्लीट हो गया था। तो इसीलिए मैं बोलूँगा अगर आप लोग ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करना चाहते हो तो आप लोग यार मिनी ब्लॉग को चूज करो, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कम समय में ज्यादा ग्रोथ मिलेगा। 3 नंबर पे जो पॉइंट है वो है अर्निंग, मतलब पैसा, किसमें ज्यादा पैसा मिलता है, आज मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा आखिर कौन सा चीजों में आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, लॉन्ग ब्लॉग या फिर मिनी ब्लॉग, ठीक है। सो यार सबसे पहले बात करता हूँ लॉन्ग ब्लॉग के बारे में। सो यहाँ पे जो हमारा लॉन्ग ब्लॉग होता है वो तो लॉन्ग ही होता है, आपको पता है लॉन्ग ब्लॉग के अंदर कितना पैसा मिलता है, आई होप आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यार क्या होता है, हमारा जो लॉन्ग ब्लॉग होता है
वो गाइस क्या होता है, लोगों को सामने आता है, लोग यहाँ पे चालू करके देखता है, ऐसे चालू करता है, फिर एड्स आता है, जितना एड्स आता है उतना पैसा मिलता है हमारा लॉन्ग वीडियो के अंदर, ठीक है, मतलब बहुत पैसा मिलता है लॉन्ग वीडियोस के अंदर। एंड मिनी ब्लॉग के अंदर क्या होता है, मिनी ब्लॉग होता है शॉर्ट्स, मतलब यहाँ पे शॉर्ट फीड में जाता है, कोई भी एड्स वगैरह कुछ भी नहीं आता है, जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो एड्स आएगा, ऐसा कुछ नहीं आता है शॉर्ट्स के अंदर। यहाँ पे पता नहीं कैसे करके यूट्यूब पैसा देता है, मुझे भी नहीं पता, बट गाइज यहाँ पे जो शॉर्ट मिनी ब्लॉग होता है उसके अंदर आपको कम पैसा मिलेगा, ठीक है, मतलब जहाँ पे मान लो अगर आपका वीडियोस के अंदर 1000 व्यूज आया लॉन्ग ब्लॉग के अंदर, तो आपको यहाँ पे मान लो यहाँ पे 10 रुपए दिएगा, ठीक है, 10 रुपए आपको देगा, एग्जांपल मेरा हिसाब से मुझे लगता है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। एंड मिनी ब्लॉग के अंदर आपको यहाँ पे 1000 व्यूज के अंदर 1 रुपए भी नहीं देगा। तो गाइज यहाँ पे आपको पता चल गया, मैं आपको और भी यहाँ पे एक मतलब तुमको यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ, अगर आपका वीडियोज के अंदर अगर आपका लॉन्ग ब्लॉग के अंदर यहाँ पे 1 मिलियन व्यूज आया, तो आपको मुझे लगता है आपका वीडियोस के अंदर 20,000 या फिर 10,000 रुपए आपको मिल ही जाएगा, मतलब $200 से $300 आपको इजीली मिल जाएगा एक वीडियो से, $200 तो पक्का। लेकिन अगर आपका शॉर्ट ब्लॉग के अंदर 1 मिलियन व्यूज आया, तो आपको वहाँ पे $2, $3 मैक्सिमम आपको $4 देगा, उसके ऊपर यहाँ पे नहीं देगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया किस में आपको ज़्यादा अर्निंग है। लेकिन गाइज यहाँ पे अर्निंग कम नहीं है, अगर आपका मिनी ब्लॉग चैनल अच्छा खासा चल रहा है, मतलब पर वीडियो पे मिलियंस पे व्यूज आ रहा है, जो लॉन्ग ब्लॉग होगा आपका, ठीक है, उससे ज्यादा आपको अर्निंग मिलेगा, क्योंकि व्यूज वहाँ पे ज्यादा आ रहा है, ठीक है, लॉन्ग पे आपको व्यूज कम मिल रहा है लेकिन पैसा आपको ज्यादा मिल रहा है। लेकिन हमारा मिनी ब्लॉग के अंदर क्या हो रहा है, पैसा कम मिल रहा है लेकिन व्यूज ज्यादा आ रहा है, एंड व्यूज अगर ज्यादा आएगा तो पैसा भी ज्यादा आएगा, मतलब दोनों यहाँ पे मेंटेन होते रहता है। लेकिन गाइज मुझे कहने के लगता है ये जो हमारा लॉन्ग ब्लॉग होता है उसमें ज्यादा पैसा मिलता है, सबसे ज्यादा पैसा वहाँ पे मिलता है, ठीक है, एंड शॉर्ट में इतना भी कम नहीं पैसा मिलता है अगर आपका वीडियो के अंदर मिलियंस पे व्यूज आते रहता है, सो आप अच्छा खासा यहाँ पे पैसा कमा लोगे यूट्यूब से। आई होप गाइस मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दिया कौन सा चीज आपके लिए वेस्ट होगा, मिनी ब्लॉग या फिर लॉन्ग ब्लॉग, अभी आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया, आप क्या बनाओगे आपके ऊपर वो चीज़ें। तो यार मेरे को कमेंट करके बताना आप मिनी ब्लॉग बनाना चाहते हो या फिर लॉन्ग ब्लॉग बनाना चाहते हो, तो प्लीज कमेंट करके बताना। सो मिलता हूँ नेक्स्ट कोई वीडियो के अंदर, वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।